अमन स्टॉप स्टॉप स्टॉप, गाड़ी रो इधर। हाँ हाँ यहीं पे। अबे यार यहाँ क्यों गाड़ी रुकवा दी, यहाँ क्या काम है तुझे? पर्सनल काम। तेरी पता कहाँ जा रहा है? अरे वही सिमरन यार, मुझे घर पर बुलाया फॉर अ कप ऑफ कॉफी। चल यू गाइस कैरी ऑन। अब भाई इतनी दूर आ गए हैं तो हमें भी कॉफी पिला दे, हम भी थोड़ी आगे सेक लेंगे। पहले मैं तो सेक लूं। अबे चलना, कोई ना कोई बहाना बना देंगे हम लोग। ओए तुम सब में से मॉडल कॉर्नर कौन है? मैं तो पहले ऑडिशन मैं लूंगा। अबे ओ ऑडिशन के बच्चे, मॉडल कोऑर्डिनेटर का काम क्या होता है? सिर्फ फोटोग्राफ्स लाना, लेकिन सुपर मॉडल बनने के लिए कनेक्शन चाहिए, और वो कनेक्शन किसके पास है? इस सुपर मॉडल के पास। मॉडलिंग करने के लिए पोर्टफोलियो बनवाना पड़ता है, घूम फिर कर मेरे पास ही आएगी, आखिर मॉडल फोटोग्राफर जो हूँ। चल अब निकल लो यार। अच्छा सुन, हाँ कॉफी कम पीना, एसिडिटी हो जाएगी। चल चल निकलना यार। हमारा इंतजार हो रहा था। हेलो मैडम, आई एम हियर। कैंडल लाइट्स। हेलो आई एम हियर मैडम, कहाँ हो? ऐसी मेहमान नवाजी देखी नहीं कहीं, जहां खुद मेजबान अपनी आंखें चुरा रहे। कहां हो? तो ऊपर का माहौल है सब अच्छा, आपकी इजाजत हो तो हम भी आ जाएं। टाऊ टाऊ पहचाना? सुनो सुनो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ये तस्वीर तुम्हारे पास? पहचाना नहीं इस ना चीज को। सुनो ये कौन हो तुम? मधुलिका, तुम तो मर चुके हो। मैंने कुछ नहीं किया। मैं वही हूँ जिसे आप गले लगाना चाहते थे। वाओ वाओ वाओ, यू लुकिंग रैविशिंग। छोड़ो, मन कर रहा तुम्हें छोड़ू ही नहीं। आओ आओ ना, गले नहीं लगाओगे मुझे? मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे माफ कर दो। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे छोड़ दो। मुझे छोड़ा था क्या? मैं
यार मैं भी वापस ट्राई करता हूँ। ओह सिमरन। हाय गाइस। अगर तुम लोग यहाँ हो तो निखिल कहाँ है? अब निखिल कहाँ है तुम हमसे पूछ रही हो? इनफैक्ट मैं तो तुम्हें कॉल करने का सोच रहा था। कल रात को वो जब तुम्हारे घर गया उसके बाद से उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। एक मिनट, उसका प्लान था आने का लेकिन वो आया नहीं। How is that possible? कल रात में हम दोनों ने ही निखिल को तुम्हारे घर के पास के चौराहे पे छोड़ा है। Are you serious? Yes. 100% serious. तो फिर वो कहाँ रह गया? मेरे घर नहीं आया वो। सिमरन ये अनिल है। अनिल सिमरन। Hi. Hello. और ये खाली अनिल क्या होता है यार? सही से इंट्रोडक्शन करा यार हैं। तुम तो बस। ये अनिल है, बहुत सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, और ये है सिमरन जो मॉडल बनना चाहता है। मॉडल नहीं, सॉरी, आप बहुत ही जल्द सुपर मॉडल बनेंगी। थैंक यू, दैट्स रियली स्वीट ऑफ यू। प्लेजर ऑल माइन। अच्छा लिसन गाइस, आई हैव टू गो, मेरे फ्रेंड्स मेरा वेट कर रहे हैं, सो आई मस्ट मीट देम। I'll see you soon, Mr. Businessman. Bye. 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 मुझे डिलीवरी के लिए जाना है, बोलो तो तुम लोग रास्ते में ड्रॉप कर देता हूँ, छोड़ देता हूँ। शहर के जाने माने मॉडल और मॉडल कोऑर्डिनेटर निखिल आज एक खतरनाक रोड एक्सीडेंट में मारे गए। कहा जा रहा है कि एक्सीडेंट के टाइम पे उनकी गाड़ी की स्पीड इतनी तेज गति पर थी कि गाड़ी के पलट जाने के बाद भी गाड़ी तकरीबन 50 मीटर तक खिसकती हुई गई। यह हादसा शहर के कुछ ही दूरी पर करंजला पास पे हुआ है। इस हादसे को लेकर पुलिस पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन में लगी हुई है। पल पल की खबर के लिए आप तो मेरे साथ बने रहिए। मैं मनोज सुधीरवाल, कैमरामैन प्रवीण के साथ। निखिल यहाँ क्या कर रहा था? मैं प्रतीक को भेज के पता करवाता हूँ। अनिल, यहाँ सब ठीक है? हाँ मैंने सब चेक कर लिया है, घबराने की कोई बात नहीं। ठीक, निकलता हूँ मैं। हाँ ओके। ये घुंघरू की आवाज कहाँ से आई? ये क्या घुंघरू? मगर ये तो, ये यहां कैसे? अब ठीक है।
ड्रिंक ले और जस्ट रिलैक्स। समझ में नहीं आ रहा है कि ये निखिल वहां कर क्या रहा था। जस्ट अ कोइंसिडेंस मैन। अनिल भरोसेमंद आदमी, वो अपना काम बहुत सफाई से करता है। यू कैन ट्रस्ट हिम मैन। लेकिन अमन, अरे वो छोड़, वो देख आ गई हैप्पीनेस। कैसे हो आप लोग? Yeah, we are fine. मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि निखिल हमारे बीच नहीं है। यकीन तो हमें भी नहीं हो रहा सिमरन। वही सोचते सोचते समझ नहीं आया क्या करें क्या नहीं करें, तो यहाँ आ गए। I guess we all should go for a long drive. I mean, long drive पे जाएंगे तो मूड भी फ्रेश हो जाएगा। Yeah? नहीं अमन, मेरा मन नहीं कर रहा। Come on, सिमरन। I mean, हम सब लोग अगर लाइफ में कुछ अच्छा करेंगे तो निखिल को भी शायद अच्छा लगेगा। अरे इनफैक्ट मैं तो ये कहूंगा कि कल राहुल एक शूट कर रहा है, व्हाई डोंट यू शूट विद हिम? तुम्हें भी पोर्टफोलियो चाहिए था। सो सी यू टुमारो। ओके, आई विल कम। ओके गुड, चलो आई विल सी यू। ओके बाय। यार जल्दी चल, कल बहुत सारा काम है। ला गाड़ी की चाबी मुझे दे, मैं चला। अमन, ये घुंघरू तेरी गाड़ी में कहां से आ गए? वॉचमैन। हाँ सर। जी सर। ये घुंघरू गाड़ी में कहां से आए? मुझे क्या पता साहब कहां से आया। पता नहीं का क्या मतलब है? हाँ, गाड़ी बंद थी, फिर ये घुंघरू गाड़ी में कौन रह सकता है? मैं कैसे बता सकता हूँ साहब, मैं यहाँ सामने बैठा हूँ। मैंने आपकी गाड़ी के पास किसी को आते हुए देखा भी नहीं। पक्का तुमने किसी को नहीं देखा? साहब मैं झूठ क्यों बोलूंगा यार। अमन, गाड़ी बंद थी, फिर यार ये घुंघरू गाड़ी में रख कौन सकता है? चल फेंके सर, चल कोई नहीं, बैठ जी।
चल यार, समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये घुंघरू गाड़ी में आया कैसे। अरे यार होगा किसी का, कोई रख के चला गया होगा, वो सब छोड़ ना। इमरान ने शूट के लिए हाँ बोल दिया है, उसके बारे में सोच। कल तेरा शूट है, तुझे अच्छे से करना है। यू हैव टू डू समथिंग अमेजिंग। तू टेंशन मत ले यार, सब फर्स्ट क्लास हो जाएगा। वाओ गर्ल्स, नाइस। राहुल, महेश, तू पिक्चर्स क्लिक कर। यार अमन, तू देख रहा है ना मैं फोटो शूट कर रहा हूं, तू भी ना यार। अरे राहुल, इन छोटे मोटे मॉडल्स के साथ में क्या टाइम बर्बाद कर रहा है तू? सिमरन के पोर्टफोलियो के बारे में सोच। डू समथिंग अमेजिंग। तुझे पता है ना, हम उस पर बहुत पैसा कमा सकते हैं। आई नो यार। और यार अमन, तू ना बेकार में टेंशन ले रहा है। यू नो, मैंने एकदम बेस्ट क्लास अरेंजमेंट्स किए हैं। ऐसे पिक्चर्स क्लिक करूंगा कि देखने वाले देखते रह जाएंगे। और अब तू निकल यार, वो आती हो। अरे मैं वेट करता हूँ ना। नो बॉस, इस सुपर मॉडल के साथ तो मैं और मैं ही पिक्चर्स क्लिक करूंगा। अरे भाई, मेरे कहने का ये मतलब था कि जो नोट चलने वाला है पहले मैं उसे खुद तो चेक कर लूं। बेटा, इस नोट को जितना चलाना है चला ले, ये चल के तो मेरे पास ही आएगा। हाँ भाई, ये तो है। बाय, मिलते हैं। हाय राहुल। सिमरन, हाय, हाउ आर यू? फाइन। यू नो सिमरन, मैंने तुम्हारे लिए बेस्ट क्लास मेकअप, बेस्ट क्लास कॉस्ट्यूम अरेंज किए थे। बट आई डोंट थिंक सो कि तुम्हें इन सब चीजों की जरूरत है, बिकॉज यू आर अ नेचुरल ब्यूटी। थैंक यू सो मच। फेस जो है ना, ये थोड़ा सा ऊपर करना। नाइस। इन बालों को कानों के पीछे। हाँ, कूल। माय गॉड सिमरन, यू आर लुकिंग सो गॉर्जियस। स्टार्ट करते हैं। ऑफ कोर्स, प्लीज कम। सिमरन, तुम बिल्कुल भी नर्वस मत हो। ऐसा सोचो कि इस स्टूडियो में तुम्हारे सिवा कोई नहीं है, तो अच्छे से पोजिंग करो, बी कंफर्टेबल। हाँ, स्टार्ट करें। हाँ सिमरन, यू आर कंफर्टेबल ना? यस। श्योर? यू नो सिमरन, मैंने आज तक हजारों फोटोग्राफ्स क्लिक किए, लेकिन तुम्हारे जैसा अट्रैक्टिव फेस मैंने आज तक नहीं देखा। तो ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? तुम्हें याद है ना, हम पहले भी कई बार मिल चुके हैं। ऑफ कोर्स याद है, और तुम्हारे साथ हुई मीटिंग मैं कैसे भूल सकता हूँ? और तुम्हारा चेहरा इतना नॉर्मल भी नहीं है कि मैं इतनी आसानी से भूल जाऊं। क्यों? अरे जल्दी करो ना यार। हाँ, चलो, सॉरी। क्या कर रहे हो यार, जल्दी करो, ड्रेस चेंज भी करना है अभी। हाँ, चलो, सॉरी। राहुल जल्दी आओ ना, आई कांट वेट टू सी माय पिक्चर्स। हियर आई एम। सिमरन, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम्हें एक्स्ट्रा मेकअप, एक्स्ट्रा कॉस्ट्यूम की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज यू आर सो नेचुरल। सी, तुम्हारी विदाउट एडिट वाली पिक्चर्स, तुम्हारी रॉ पिक्चर्स। ये कौन है? सिमरन, मैं एक फोटोग्राफर हूँ, इतनी सारी मॉडल्स की पिक्चर्स क्लिक करता रहता हूँ, उनमें से किसी एक मॉडल की फोटो है। और क्या, तुम दूसरी देखो। सारी पिक्चर्स इसकी है, कौन है ये? अब,
सर भारी हो रहा है मेरा। इसकी पिक्चर्स देख के अजीब सा लग रहा है, कुछ एहसास सा हो रहा है। कैसा एहसास? मिट्टी वाली जगह एक गड्ढा है, हाथों में मेहंदी, चूड़िया, घुंघरू वाले पैर, डांसर है। और अमर, निखिल और तुम भी हो। और मार डाला तुमने उसको। सिमरन तुम पागल हो गई हो क्या? क्यों किया तुमने उसके साथ ऐसा? क्या बकवास कर रही हो तुम? मैंने कुछ नहीं किया है। राहुल, मेरा दम घुट रहा है, मैं जा रही हूँ। सिमरन मेरी बात सुनो। सिमरन, 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 सिमरन रुको, मेरी बात सुनो। अय्या, सिमरन, आप कौन? मधुलिका? याददाश्त तो अच्छी है आपकी। इस नाचीज को पहचानने के लिए शुक्रिया। हमसे मिलना नहीं चाहते आप? हमने तो बहुत इंतजार किया था। मधुलिका, प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो, मैंने कुछ नहीं किया। प्लीज मधुलिका मुझे छोड़ दो। आपने छोड़ा था मुझे? याद है राहुल, उस दिन आप सब ने मिलकर मेरे साथ क्या किया था? सिमरन, अच्छा तुम आ गई। हमने तो आपसे कुछ नहीं मांगा था, पर आप लोगों को ये मंजूर नहीं था। याद है राहुल, उस दिन फोटोशूट पर मधुलिका, प्लीज मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया और मैं वो सब नहीं चाहता था। वो सब उनका प्लान था, मेरा प्लान नहीं था। मैंने कुछ नहीं किया मधुलिका, प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज। मैंने कुछ नहीं किया मधुलिका। माफ कर दे, पर हम तो बहुत दूर से आए हैं, ठीक से गले तो लग लीजिए।
वाह मेरी जान अमन, वाह कमाल कर दिया यार। तू एक पीस इतना भारी है, सोच दो चार होते तो क्या करता। सॉरी बॉस, अमन एक ही पीस है, वन एंड ओनली, ऊपर वाले ने एक ही बनाया है, डुप्लीकेट चाइना में भी नहीं मिलेगा। ये तो है, लेकिन एक बात बता, तू इतने कमाल के धांसू पीस लाता कहां से? अभी आपने देखा ही कहां है बॉस, नए पीसेस देखोगे ना तो दिल की धड़कन रुक जाएगी, बिल्कुल कड़ाकेदार है, ये देखो। रियली? ये कहीं वही तो नहीं है कॉफी शॉप वाली? उसका भी शूट चल रहा है यार, जब सब कुछ रेडी है तो लेट्स डू दिस ना, तुझे मालूम है उससे कितने काम मिल सकते हैं। डोंट वरी बॉस, हम अपने अच्छे क्लाइंट की सर्विस में कोई कमी नहीं छोड़ते, तब तक आप ये नया कैटलॉग देखो, मजा आ जाएगा। ये मैं गाड़ी में जाते हुए देखता हूँ और उसका थोड़ा जल्दी भिजवा दे, तू समझ रहा है ना, है ना, और मुझे मैसेज करना अमन। मैसेज करके अपडेट करता हूँ, मैं वेट कर रहा हूँ। राहुल का फोन स्विच ऑफ, सिमरन को फोन करता हूं। हाय अमन। हाय सिमरन, हाउ आर यू, कहां हो तुम? मैं अभी लाउंज में हूँ, डांस परफॉर्मेंस के लिए रेडी हो रही हूँ। तुम राहुल के साथ ही थी ना? हाँ हम मिले थे, मैं स्टूडियो गई थी उसके फोटोशूट के लिए और फिर मैं यहाँ पर आ गई। क्यों, क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं, वो राहुल का फोन नहीं लग रहा है तो मैंने सोचा तुमसे पूछ लूं। और भी कोई था क्या तुम्हारे साथ? नहीं हम दोनों ही थे, और जब मैं निकल रही थी तो एक लड़की आई थी वहाँ, कुछ मधुलिका नाम था उसका, राहुल जानता था शायद उसे। मधुलिका? हाँ। Are you sure? यार नाम तो सुना था मैंने। ओके। क्यों कोई प्रॉब्लम हुई क्या? नहीं नहीं कुछ नहीं यार। ओके। मधुलिका? वो कैसे आ सकती? राहुल, राहुल, मधुलिका और आज की डेट? पहचाना इस नाचीज को? रुको रुको रुको, प्रतीक की गाड़ी यहाँ मुझे पार्क दिख रही है, रुको मैं थोड़ी देर बाद कॉल करता हूँ तुम्हें। हेलो अनिल। हाँ अमन बोलो। अनिल समझ नहीं आ रहा है, हो क्या रहा है यार? ये क्या, आज राहुल सिमरन का फोटो शूट करने वाला था, लेकिन जब मैं स्टूडियो पहुंचा तो वहां ना राहुल था ना सिमरन थी। क्या मतलब? मतलब ये कि कोई खेल खेल रहा है अनिल हमारे साथ, और शॉकिंग बात ये है कि राहुल के कैमरा में मुझे मधुलेखा के फोटोज मिले हैं, और वो भी आज की डेट के। अबे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, वो कोई मधुलिका नहीं होगी, उसकी कोई हमशक्ल होगी। और ऐसा कोई क्यों करेगा हमारे साथ? वो इत्तेफाक ये कि शक्ल भी वही और नाम भी वही। देखो अमन मुझे भी कुछ पता नहीं है, वो राहुल भी अपने स्टूडियो में नहीं है, और यहाँ प्रतीक की गाड़ी मिली है उसमें प्रतीक नहीं है, मैं वहीं पर हूँ जहाँ हमने मधुलिका को गाड़ा था। तुम एक काम करो, तुम राहुल का पता करो, मैं प्रतीक को ढूंढता हूँ। अनिल तू वहाँ अच्छे से चेक कर, मैं यहाँ सिमरन से पता करवाता हूँ कि वो लड़की जो अपना नाम मधुलिका बता रही थी वो उसके बारे में और क्या जानती है। ठीक है जल्दी बताना। प्रतीक,
प्रतीक, प्रतीक की चिट्ठी हो? प्रतीक, प्रतीक, कौन है? सिमरन, सिमरन तुमने मुझे पहचाना? मैं उस दिन कॉफी शॉप में मिला था। आराम से, आराम से। सिमरन तुम इस वक्त, एक सेकंड, रुको 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 रुको। कुछ लोग मुझे जबरदस्ती यहाँ ले आए। मैंने बहुत हाथ पैर जोड़े, फिर भी नहीं माने। तुम सिमरन एक मिनट वेट करो, मैं पानी लेके आता हूँ तुम्हारे लिए। मैं बहुत रोई, बहुत चिढ़ी, पर उन्होंने मुझे जान से मार डाला। पहचानते हो ना इस जगह को? ये वही जगह है जहां आपने मुझे मारकर दफना दिया था। याद आया? सिमरन, पहचानते हो ना? पहचानते हो ना? मधुले, सिमरन, मधुले, सिमरन। आपके दोस्तों ने मिलके मुझे मार कर यहाँ दफना दिया और सब कुछ ऐसे भुला दिया जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। एक एक से अपने दर्द का हिसाब लेने लौट आई हूँ मैं। तुमने हमारे साथ इतना बुरा सलूक क्यों किया? क्यों दिखाए हमें झूठे सपने? मैंने कुछ नहीं किया। क्यों किया ऐसा हमारे साथ? हमने तो सिर्फ एक अच्छी डांसर बनने का एक मामूली सा सपना देखा था, पर आपने और आपके दोस्तों ने हमारा फायदा उठाना चाहा, और जब हमने मना किया तो आपने हमें खत्म करके यहाँ दफना दिया। क्या सही था वो? अब आपकी बारी है। दरवाजा क्यों नहीं खोल रही है? पता नहीं घर में है या नहीं, सीन ही समझ में नहीं आ रहा। एक्सक्यूज मी, I'm sorry, आपको डिस्टर्ब कर रहा हूं। ये वो घर में एक लड़की रहती है, वो कहाँ है? ये घर काफी समय से खाली पड़ा है, यहाँ कोई नहीं रहता। कब से खाली पड़ा है? काफी टाइम से, कई महीनों पहले एक लड़की रहती थी लेकिन उसके बाद कोई नहीं आया। हाँ हाँ, सिमरन, सिमरन नाम था ना उसका? सिमरन नहीं नहीं, उसका नाम मधुलिका था। मधुलिका मॉडल और डांसर बनने आई थी, अचानक से कहीं गायब हो गई, किसी को कुछ बताया तक नहीं। आप जानते हैं उसे? नहीं, मतलब थैंक यू, थैंक यू। अमन, स्टॉप स्टॉप स्टॉप,
गाड़ी रोक। अबे यार यहाँ क्यों गाड़ी रुकवा दी? कहाँ जा रहा है? अरे वही सिमरन यार, उसका प्लान था आने का लेकिन वो आया नहीं। शहर के जाने माने मॉडल और मॉडल कोऑर्डिनेटर निखिल आज एक खतरनाक रोड एक्सीडेंट में मारे गए हैं। यह हादसा शहर से कुछ ही दूरी पर करंजला पास पर हुआ है। गाड़ी बंद, तो गाड़ी में लड़क कौन सकता है? जब मैं निकल रही थी तो एक लड़की आई थी वहाँ, कुछ मधुलिका नाम था उसका, राहुल जानता था शायद उसे। मधुलिका और हम तीनों, इसका मतलब मधुलिका ने सबको। अनिल फोन उठा, करूं ऑफिस जाता हूं। अनिल, अनिल, वॉचमैन, वॉचमैन, अनिल जी ऑफिस में? नहीं साहब, अनिल तो कल शाम से लापता है। ये कोई मैडम लाई गाड़ी खड़ी है, गाड़ी के अंदर अगरखा और घुंगरू है। अगरखा और घुंगरू, क्या नाम बताया उन्होंने अपना? उनका नाम मधुलिका। मधुलिका? क्या हुआ साहब? नहीं कुछ नहीं, थैंक यू। करंजला पास, मैं यहां कैसे आ गया? एवरीथिंग्स फाइन, एवरीथिंग्स फाइन, आई प्ले द म्यूजिक। यस, ओह यस। जला पास फिर से, ये नहीं हो सकता। क्या हुआ अमन, घबरा क्यों रहे हैं? अरे आपने हमसे कहा था ना कि आप हमें काम दिलाएंगे, ऐसा ही कहा था ना आपने? हमारी जिंदगी सवार देंगे, हमें सुपर मॉडल बनाएंगे। मुझे माफ कर दो मधुलिका। माफ कर दे, वो भी उस इंसान को जिसने सबसे पहले हम पर वार किया था, याद है अमन?
किस तरह आपने और आपके दोस्तों ने हमें इसी जगह दफना दिया था। हम तो सिर्फ एक डांसर बनना चाहते थे और आप लोगों ने हमें झूठे झूठे सपने दिखाए, हमारा फायदा उठाया, धोखा किया हमारे साथ, धोखा। आपके सारे दोस्तों से रूबरू हो चुके हैं हम, अब आपकी बारी है। I'm sorry, Madhulika, मुझे माफ कर दो। I'm sorry. मुझे माफ कर दो मधुलिका। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.